ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमको थ्योरी में तो पूछा ही जाता है कि क्लासिफाई करो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को। उसके अलावा वाइवा में भी क्लासिफिकेशंस पे अलग अलग, बैरियर का अलग, इंट्राउटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का अलग, हार्मोनल का अलग, या फिर मिसलेनियस, इन सभी पे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्री पीजी में तो अलग से हमको क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे अलग से सवाल मिलता है। तो शुरू करते हैं वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ने से पहले हमको पहली जानकारी होनी चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्शन किसको कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन होने से रोकना ओवम का स्पर्मेटोजोआ से। सिंपल, अगर कॉन्ट्रासेप्शन आपसे कोई पूछता है तो उसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन होने से बचाना ओवम का स्पर्मेटोजोन से, कॉन्ट्रासेप्शन। फिर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जानने के लिए, दैट इज़ कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब क्या होता है। कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बहुत सिंपल सा मतलब होता है वो सारी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो एट द टाइम ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स इस्तेमाल हो रही होती हैं उनको कहते हैं कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्डम। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जाती है, दैट इज़ कैफेटेरिया चॉइस। कैफेटेरिया का मतलब क्या होता है? कैफेटेरिया के अंदर आप जाते हो, आप उनसे बोलते हो कि हाँ भाई मेन्यू दिखाओ, फिर मेन्यू में आप चीज़ें सिलेक्ट करते हो अपनी पसंद की और उसके बाद ऑर्डर करते हो। वैसा ही होता है कैफेटेरिया चॉइस। कैफेटेरिया चॉइस में जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने सारी चॉइसेस रख दी जाती हैं और फिर उन चॉइसेस में से, सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में से आप चूज़ करते हो कि आपको कौन सी चाहिए है। आपके पास कॉपर टी भी होती है, आपके पास कॉन्डम्स भी होते हैं, आपके पास ओसीपीज भी होती हैं। आपके सामने सारी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स रख दी जाती हैं, आपको उनके बारे में सारी जानकारी दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है भाई आप बताओ आपको कौन सी चाहिए। दैट इज़ एक्चुअली कैफेटेरिया ऑफ चॉइस, कि आपके सामने सारी मेथड्स रखी हुई हैं, आप डिसाइड करोगे कौन सी आपको चाहिए जो आप कैफेटेरिया में करते हो। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के पहले ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ थ्योरी पे, तो थ्योरी में वेरी शॉर्ट नोट पे आपको पूछा जा सकता है कि भाई कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं और कैफेटेरिया चॉइस क्या होती है, ये वेरी शॉर्ट नोट पे आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ वाइवा की, तो वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं और कैफेटेरिया चॉइस से आपको क्या समझ में आता है। थ्योरी की बात करूं अगर, प्री पीजी की बात करूं अगर, तो प्री पीजी में आपसे पूछा गया है कि कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं और कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एग्जाम्पल क्या हैं। तो कॉन्डम पे भी सवाल आया है और कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव पे भी प्री पीजी में सवाल आया हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है कि जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं वो आपके प्री पीजी में आए हुए सवाल हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्री पीजी के हिसाब से इन तीन पॉइंट्स में। अब हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। पहले छोटे से शुरू करेंगे, फिर एक एक चीज़ को अलग से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ब्रॉडवे में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्लासिफिकेशन करो, तो आप अगर वाइवा में पूछा जाता है तो आप बोल देते हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कॉन्डम्स आते हैं, कॉपर टी आती हैं, ओसीपीज आती हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। अगर आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव के क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाए, तो आप पहले बोलोगे कि दो तरह की होती हैं, स्पेसिंग मेथड और टर्मिनल मेथड। स्पेसिंग मेथड का मतलब होता है कि बच्चों के बीच में गैप रखना या स्पेस रखना या थोड़े समय तक बच्चा ना करना, दैट इज स्पेसिंग मेथड। टर्मिनल मेथड का मतलब होता है पूरी परमानेंट मेथड होती है ये, जबकि स्पेसिंग टेम्प्रेरी होती है। टर्मिनल मेथड का मतलब होता है स्टरलाइज कर देना मेल या फीमेल को कि अब भैया अब तो बच्चा नहीं ही हो सकता है। उसके एग्जाम्पल्स में है वेसेक्टोमी और क्यूबेक्टोमी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई क्लासिफाई करो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, तो पहले तो दो हैं, स्पेसिंग और टर्मिनल। और टर्मिनल भी दो हैं, मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन, दैट इज वेसेक्टोमी एंड क्यूबेक्टोमी। स्पेसिंग मेथड्स के बारे में पूछें तो आपके पास पांच स्पेसिंग मेथड्स हैं। एक है बैरियर मेथड, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, हार्मोनल मेथड,
पोस्ट कंसेप्शनल मेथड और मिसलेनियस। मिसलेनियस अलग ही चलती है, वो हम समझेंगे अभी कौन कौन सी हैं। तो ब्रॉड वे में अगर आपसे क्लासिफिकेशन के बारे में कोई पूछता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो आप बोलोगे स्पेसिंग और टर्मिनल। टर्मिनल में दो हैं, मेल स्टरलाइजेशन, फीमेल स्टरलाइजेशन। स्पेसिंग के बीच में आपके पास बैरियर मेथड्स हैं जिसमें कॉन्डम्स वगैरह आ जाएगा। इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसमें कि IUCD या कॉपर्टी आ जाएंगी। हार्मोनल मेथड्स हैं जिसमें आपकी OCP वगैरह आ जाएंगी। पोस्ट कंसेप्शनल मेथड हैं जिसमें ओरल अबॉर्टिफिकेंस वगैरह आ जाएंगे। मिसलेनियस है, उसमें अलग ही चलता है कॉइटस इंटरप्टस वगैरह, ये सब हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन, स्पेसिंग, टर्मिनल, स्पेसिंग के 5, टर्मिनल के 2, ये आपको याद होने चाहिए। इस पर भी आपको सवाल आया है कि बताओ PPG में स्पेसिंग में कौन कौन सी होती हैं, तो ये जो अंडरलाइन पार्ट हैं ये आपको PPG में सवाल आए हुए हैं। उसके अलावा आपको वाइवा में पूछा जाता है कि चलो क्लासीफाई करो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, तो ये आपको पता होना चाहिए। थ्योरी में तो आपको कई बार आया है, उस पर आपको शॉर्ट नोट पे आ सकता है कि क्लासिफाई करो, या आपको वेरी शॉर्ट नोट पे आ सकता है कि इन्यूमरेट करो, या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। उसमें एक पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का कि डिस्क्राइब ब्रीफली एंड क्लासिफाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो आपको क्लासिफिकेशन अलग से आना चाहिए। तो ये था स्पेसिंग, टर्मिनल, स्पेसिंग के 5, टर्मिनल के 2। अब अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, उनके अंदर भी क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले आता है स्पेसिंग में, सबसे पहला कौन सा था हमारा, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड भी आपसे कोई पूछे कि बैरियर मेथड समझाओ, तो पहले आपको सीधा नहीं बोल देना है कि भैया कॉन्डम होता है, डायफ्राम होता है, नहीं। बैरियर मेथड में 2 होती हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल के अंदर 3 होती हैं, कॉन्डम, डायफ्राम और वजाइनल स्पॉन्ज, जबकि केमिकल के अंदर 4 होती हैं, फोम्स, क्रीम, सपोस्टरीज एंड सॉल्युबल फिल्म्स। ये आपको ब्रॉड वे में आपको क्लासिफिकेशन बैरियर के अंदर याद होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बैरियर बोल दिया तो बैरियर मेथड्स समझाओ, या क्लासिफाई बैरियर मेथड्स में आप सीधा नहीं बोल दोगे कॉन्डम, नहीं। आप बोलोगे बैरियर मेथड्स 2 तरह की हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मेथड के अंदर आपकी 3 आएंगी, दैट इज़ कॉन्डम, डायफ्राम और वजाइनल स्पॉन्ज। कॉन्डम भी आपके 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल कॉन्डम्स। केमिकल मेथड्स में फोम, क्रीम, सपोस्टरीज और सॉल्युबल फिल्म्स। इसके अलावा आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि डायफ्राम को डच कैप भी कहते हैं और वजाइनल स्पॉन्ज के टोडे के नाम से हमको मिलती है। इन सबको ब्रीफली बहुत अच्छे से इनको हम अलग से वीडियो में करेंगे, अलग अलग बैरियर मेथड को अलग करेंगे, IUCD को अलग 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 करेंगे वो। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि थ्योरी में इस पर सवाल आता है, तो हाँ आपको वेरी शॉर्ट नोट पर आ सकता है कि भाई इन्यूमरेट करो बैरियर मेथड्स को। आपसे वाइवा में पूछा ही जाता है कि भाई बताओ बैरियर मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, आपसे वाइवा में पूछा, अगर वाइवा में पूछा जाएगा तो आप सीधा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे फिजिकल होती है, केमिकल होती है, फिर उनके अंदर के बारे में बोलोगे। आपसे वाइवा में पूछा जाता है डच कैप का मतलब क्या होता है, तो डच कैप मतलब कि डायफ्राम होता है। उसके अलावा वाइवा में आपसे टुडे पे भी सवाल पूछा जाता है, तो टुडे इज़ वजाइनल स्पॉन्ज। इन सभी की फ़ोटोज़ हम अलग से जो अच्छे से जब बैरियर मेथड्स करेंगे उसमें देखेंगे, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ अगले वीडियो में हम देखेंगे इनकी। तो ये आपका था बैरियर मेथड्स। PPG में अगर मैं बोलूँ तो हाँ, PPG में भी इस पर सवाल आया है कि भाई बैरियर मेथड्स को बताओ कौन कौन सी हैं। डायग्राम पे भी PG में क्वेश्चन आया है PPG में, और वजाइनल स्पॉन्ज पे भी PPG में सवाल आया है। उसके अलावा PPG में फोम्स पे भी सवाल आया है कि ये किसके तहत आती हैं। तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं दैट इज़ आपके PPG के क्वेश्चन। तो इतनी चीज़ें आपको बैरियर मेथड्स में थ्योरी, वाइवा और PPG के याद होनी चाहिए, मतलब कि इनके क्लासिफिकेशंस पे आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर स्पेसिंग मेथड का पहला तो था बैरियर मेथड, सेकेंड आता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अगर आपसे बोलेगा कोई कि बताओ, तो आप सीधा नहीं बोलोगे कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में कॉपर्टी होता है, नहीं। आपसे अगर कोई पूछेगा तो आपको ऐसे जवाब देना है, 2 तरह की होती है, एक होती है नॉन मेडिकेटेड और एक होती है मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड जो होती है उसको हम इनर्ट भी बोलते हैं, और मेडिकेटेड को हम बायोएक्टिव भी बोलते हैं। अब नॉन मेडिकेटेड के एग्जांपल्स तो बहुत इजी हैं, लिपिज लूप और ग्रेफेनबर्ग स्लिंग। नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड के लिपिज लूप और ग्रेफेनबर्ग। मेडिकेटेड भी 2 तरह की होती है, मेटल आयंस और हार्मोन्स। मेडिकेटेड का मतलब क्या है, कुछ मेडिसिन टाइप की चीज़ डली हुई है, तो या तो हम उसमें मेटल्स डाल सकते हैं या तो हम उसमें
हार्मोन्स डाल सकते हैं, इसीलिए मेडिकेटेड दो तरह की। फिर से ब्रॉडली अगर हम याद करना चाहें तो इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस दो तरह की हैं, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। मेडिकेटेड भी दो तरह की होती हैं, मेटल आयन्स होते हैं या तो उसमें हार्मोन्स होते हैं। तो ये आपको ब्रॉडली पहले तो याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, दैट इज़ कई किताबों में आपको मिलेगा कि तीन तरह की मिलेंगी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो यही जो नॉन मेडिकेटेड होती है उसका दूसरा नाम होता है इनर्ट इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। अब मेडिकेटेड हमने कहा था दो तरह की हैं, एक में होता है मेटल और एक में होता है हार्मोन। तो जो मेटल वाली होती है वो होती है सेकेंड जनरेशन, और मेटल कौन सा होता है, कॉपर ज़्यादातर। और हार्मोन्स वाली जो होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं और वो थर्ड जनरेशन होती है। तो इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस दो तरह की, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड को इनर्ट भी कहते हैं और वो फर्स्ट जनरेशन होती है। मेडिकेटेड, मेडिकेटेड को बायो एक्टिव कहते हैं, वो दो तरह की होती है, मेटल आयन्स और हार्मोन्स। मेटल आयन्स जो होती है वो सेकेंड जनरेशन है और हार्मोन्स जो है वो थर्ड जनरेशन है। मेटल मतलब उसमें कॉपर होता है और हार्मोन्स उसमें प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं। तो ये हो गया आपका ब्रॉड मिड। उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट या फर्स्ट जनरेशन जो होती है उसमें होता है एग्जांपल में लिपिस लूप और ग्राफिनबर्ग्स रिंग, जबकि मेडिकेटेड जो होती हैं उसमें मेटल है और हार्मोन है। तो पहले हार्मोन को देख लेते हैं। तो हार्मोन में दो हो सकते हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन मिलेगा हमको, या तो LNG मीन्स लेवनोजेस्टेरोल 20, तो इसको मेरीना भी कहते हैं। तो हार्मोन्स, हार्मोन्स में दो, प्रोजेस्टेरोन और LNG। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो इसमें आती है ना, दैट इज़ कॉपर टी वाला जो होता है, दैट इज़ मेटल आयन वाला। मेटल आयन के अंदर भी दो तरह के हैं, अर्लियर डिवाइसेज और न्यूअर डिवाइसेज। अर्लियर डिवाइसेज जो हम पहले इस्तेमाल करते थे उसके अंदर आएगा कॉपर 7, कॉपर टी 200, और नई डिवाइसेज उसके अंदर आता है कॉपर टी 220B, कॉपर टी 380 है। ये न्यूअर डिवाइसेज में तीन हैं, एक है वेरिएंट ऑफ टी डिवाइस, एक है नोवा टी और एक है मल्टी लोड डिवाइस। वेरिएंट के अंदर कॉपर टी 220B आएगा या कॉपर टी 380A आएगा, जबकि दूसरा होगा नोवा टी जिसके अंदर हमको याद रखना सिल्वर कोर होता है, और एक और होता है मल्टी लोड डिवाइसेस, इसमें मल्टी लोड कॉपर 250 या मल्टी लोड कॉपर 375 होता है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन वाइज। फिर से एक बार देख लेते हैं इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के क्लासिफिकेशन को। पहली चीज, नॉन मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड दो तरह की है, मेटल और हार्मोन। तो और मेटल और हार्मोन के अंदर फिर मेटल जो है वो भी दो तरह की है, अर्लियर और न्यूअर। और न्यूअर तीन तरह की है, दैट इज़ वेरिएंट ऑफ टी डिवाइस, उसके अलावा नोवा टी और मल्टी लोड डिवाइस। इसको दूसरी तरीके से याद करें कि नॉन मेडिकेटेड जो होती है उसको इनर्ट भी कहते हैं, मेडिकेटेड जो होती है उसको बायो एक्टिव भी कहते हैं। जो इनर्ट हैं वो फर्स्ट जनरेशन होती हैं, जो मेटल वाली हैं वो सेकंड जनरेशन होती हैं, जो हार्मोन वाली हैं वो थर्ड जनरेशन होती हैं। उसके बाद इनर्ट या नॉन मेडिकेटेड या फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल में आती है लिपिस लूप और ग्राफिनबर्ग्स रिंग। हार्मोन वाले के एग्जांपल में आती है प्रोजेस्टेरोन और LNG 20। उसके अलावा मेटल, मेटल जो हमने याद किया था कि दो तरह की होती हैं, या तो अर्लियर जो पहले इस्तेमाल करते थे या न्यूअर जो अभी इस्तेमाल करते हैं। अर्लियर में हमारे पास कॉपर 7 है और कॉपर टी 200 है, जबकि नई वाली भी तीन तरह की होती हैं, वेरिएंट टी डिवाइसेस के, उसके अलावा नोवा टी, उसके अलावा मल्टी लोड डिवाइस। वेरिएंट ऑफ टी डिवाइस में दो आ जाएंगे, कॉपर टी 220B और कॉपर टी 380A। नोवा टी तो है ही हमारे पास, मल्टी लोड में भी दो आ जाएंगे, कॉपर मल्टी लोड कॉपर 250 और मल्टी लोड कॉपर 375। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। सब में अगर मैं बोलूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में सबसे लेंदी क्लासिफिकेशन जो है इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का है। अब इसमें कुछ बारीक चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि ये जो नंबर्स हैं 220 है, ये 380 है, ये 200 है, ये 250 है, ये 375, इसका मतलब क्या होता है? इन नंबर्स का मतलब होता है कि जो कॉपर है उसमें उसका सरफेस एरिया, ये हम अच्छे से इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पे अलग से जब आंसर प्रिपेयर करके पढ़ेंगे अगले वीडियो में उसमें देखेंगे। लेकिन कॉपर का सरफेस एरिया कितना है वो होता है ये जो नंबर्स दिए हुए हैं। ये जो AB आपको दिख रहा है ये होता है उसका साइज। तो ये दो चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए कि
नंबर किस लिए होते हैं और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये किस लिए होते हैं। उसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, ये जो ए इसमें यूज़ कर रहे हैं ये ए जी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सिल्वर या ए यू या गोल्ड के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है इस अल्फ़ाबेट का। नोवा टी में आपको पता होना चाहिए कि ये सिल्वर कोर होता है नोवा टी के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है। उसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल्स क्या हैं, फर्स्ट जनरेशन इनर्ट, सेकंड जनरेशन कॉपर वाला और थर्ड जनरेशन हार्मोनो। कैसे याद करेंगे इसको, तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि आई इज़ फॉर इनर्ट, आई को रोमन लेटर्स में क्या होता है, आई का मतलब यानी कि वन, तो इनर्ट जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो, आई का मतलब होता है वन, इनर्ट फर्स्ट जनरेशन होती हैं। अगला सेकंड जनरेशन क्या होती हैं, तो सेकंड में आप अभी बहुत चल रहा था ट्रेंड में था मी टू, तो मी फॉर मेटल, टू फॉर सेकंड जनरेशन, तो मी टू मेटल वाली जो होती हैं वो सेकंड जनरेशन होती हैं। तो बची कौन सी, बची आपकी हार्मोन वाली, तो वो थर्ड जनरेशन होंगी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि आई फॉर वन इनर्ट फर्स्ट जनरेशन, मी फॉर मेटल, टू फॉर सेकंड जनरेशन और बची हुई थर्ड इज हार्मोन फॉर थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के क्लासिफिकेशंस में आपको इतनी चीज़ें तो याद होनी चाहिए। अगर आप बात करें थ्योरी एग्ज़ाम की, तो इसमें आपको फिर वही है कि सिर्फ क्लासिफिकेशन पे अगर आपको सवाल आएगा तो आपको वेरी शॉर्ट नोट पे इस पे सवाल आ सकता है कि इन्यूमरेट इंट्रायूटराइन डिफरेंट इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। वाइवा में तो भाई साहब यहाँ पे भरा हुआ है, आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि चलो क्लासिफाई करो कि नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड कौन कौन सी होती हैं। वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल्स बताओ फर्स्ट जनरेशन के, तो आपको पता होना चाहिए लिपिज लूप या ग्राफेनबर्ग्स रिंग। उसके अलावा आपसे वाइवा में ये पूछ लिया जाता है कि ये फर्स्ट जनरेशन कौन सी हैं, सेकेंड जनरेशन कौन सी हैं और थर्ड जनरेशन कौन सी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या डिनोट करते हैं, या ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये क्या डिनोट करते हैं, तो ये पता होना चाहिए। वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है नोवा टी का कोर किससे बना होता है, और वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है ये मेरीना किसका दूसरा नाम है, तो LNG20 11-ऑगस्टल-20 का दूसरा नाम है। अगर मैं बात करूँ प्रीपीजी की, तो आप जैसे भी देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं ये सारे प्रीपीजी में पूछे गए सवाल हैं आपसे। तो आप देख सकते हैं कि इंट्रायूटराइन डिवाइसेस के क्लासिफिकेशन पे भी आपको प्रीपीजी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि ग्राफेनबर्ग्स रिंग पे भी आपको प्रीपीजी में सवाल आया है, सेकंड जनरेशन पे भी आपको प्रीपीजी में सवाल आया हुआ है, नोवा टी पे भी प्रीपीजी में सवाल आया है, मल्टी लोड डिवाइस में भी प्रीपीजी में सवाल आया है, थर्ड जनरेशन पे भी सवाल आया है प्रीपीजी में, और मिरन्ना पे भी अलग से प्रीपीजी में सवाल आया है। और ये सिर्फ इनके नाम पे आया है अभी ये, कि क्लासिफिकेशन के तहत ये आया है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी है ग्राफेनबर्ग रिंग, ये आया है कि कॉपर जिसमें होता है वो सेकंड जनरेशन होती है कि थर्ड जनरेशन, ये आया है नोवा टी में कौन सा कोर होता है, या मल्टी लोड के क्या एग्जाम्पल्स हैं, या थर्ड जनरेशन में क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन्स होता है, या मेरीना कौन से जनरेशन की है, इस तरह का आपको प्रीपीजी में सवाल आया है। तो इतनी चीज़ें आपको इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में थ्योरी, वाइवा और प्रीपीजी के पर्पस से याद होनी चाहिए। फिर अगला आता है हार्मोनल मेथड्स। अगर हम बात करें हार्मोनल मेथड्स की, तो फिर से अगर ब्रॉड वे में बात करें तो हार्मोनल मेथड्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो आप हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स आप या तो ओरली दे सकते हो या तो दूसरी तरह से, डिपो, डिपो का मतलब होता है धीरे धीरे रिलीज होने वाली, तो या तो ओरली दे सकते हो या तो डिपो फॉर्मुलेशन है। पहले तो ये दो ब्रॉड में आपको याद रखने पड़ेंगे, ओरल एंड डिपो फॉर्मुलेशन। ओरल के अंदर आपके पास पांच हैं, तो इनको हम टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहले तो ये दो कर लेते हैं, दैट इज या तो वो कंबाइंड हो सकती है या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है उसमें, या तो कंबाइंड है या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है। दूसरी चीज़ आप ये दोनों को याद कर सकते हो कि पोस्ट क्वाइटल यानी कि क्वाइटस हो जाने के बाद आप जो देते हो, या फिर महीने में एक बार, क्वाइटस हो जाने के विदिन कितने, या तो आप विदिन 3 डेज दे दोगे या तो महीने में एक बार। तो पहले याद करोगे कंबाइंड और प्रोजेस्टोजेंस ओनली,
दूसरी याद करोगे पोस्ट कोइटल, जो विद इन 3 डेज या फिर महीने में एक बार, और सबसे आखिरी में आती है मेल पिल। तो ये हो गई आपकी ओरल पिल्स के क्लासिफिकेशन के तहत, कंबाइंड प्रोजेस्टेरोन ओनली, पोस्ट कोइटल वंस अ मंथ, और मेल पिल। पोस्ट कोइटल में भी आप देख सकते हो कि आप इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को भी इस्तेमाल कर सकते हो, और या फिर आप हार्मोनल भी यूज़ कर सकते हो। मेल पिल का दूसरा नाम गॉसिपॉल होता है। इतना आपको ओरल पिल के बारे में पता होना चाहिए। अब ओरली तो आपने दे दिया, अब कौन कौन सी मेथड्स देने के लिए बची वो सब आ जाएंगी डेपो में। तो डेपो फॉर्मुलेशन में सबसे पहली चीज़, या तो आप इंजेक्टेबल्स के थ्रू दे सकते हो, या तो आप सब डर्मल इम्प्लांट्स करा सकते हो, या तो आप वेजाइनली वेजाइनल रिंग्स के थ्रू दे सकते हो। तो डेपो फॉर्मुलेशन में अगर आपको पहले याद रखना है तो 3 नाम, इंजेक्टेबल्स, सब डर्मल इम्प्लांट्स और वेजाइनल रिंग। इंजेक्टेबल्स में भी आपको 2 पता होना चाहिए, या तो आप उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है या फिर कंबाइंड है। सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाली DMPA और नेटेंट, इसका फुल फॉर्म होता है डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एस्टेट, और नेटेंट का नॉर एथेस्टेरोन एनेंटेट। कंबाइंड के अंदर आपको साइक्लोफेम या साइक्लोप्रोवेरा या मेसिगाइना नाम से मिल जाती हैं। सबडर्मल इम्प्लांट में 2 होती हैं, नॉरप्लांट और नॉरप्लांट R2। तो ये आपको डिपो फॉर्मुलेशन के तहत याद होनी चाहिए। डिपो फॉर्मुलेशन में पहली बेसिक चीज़ कि 3 होते हैं, इंजेक्टेबल, सबडर्मल इम्प्लांट्स और वेजाइनल रिंग। इंजेक्टेबल्स में 2 होते हैं, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है या फिर कंबाइंड है, और सबडर्मल में भी 2 होते हैं, या तो सिर्फ नॉरप्लांट है या नॉरप्लांट R2 है। और इंजेक्टेबल्स में प्रोजेस्टेरोजेंस और कंबाइंड में प्रोजेस्टेरोजेंस भी 2 तरह के होते हैं, DMPA या नेटन। तो इतनी चीज़ें आपको थ्योरी के हिसाब से क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। थ्योरी में आपसे वेरी शॉर्ट नोट पे पूछ सकते हैं कि इन्यूमरेट करो डिफरेंट हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आपको पूरा ओरल पिल्स, डिपो फॉर्मुलेशन, ओरल के अंदर 5ों, डिपो के अंदर 3ों और उसके अंदर के, ये सब आपको बताते आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ वाइवा की, तो वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली चीज़ तो वही है कि भाई क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है आपको ओरल पिल्स का, समझाओ पूरा का पूरा। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि गॉसिपॉल क्या होता है या मेल पिल का दूसरा नाम क्या होता है। उसके अलावा आपसे DMPA और नेटन का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है वाइवा में। उसके अलावा आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है साइक्लोफेम या साइक्लोवेरा या मेसिगाइना, ये कौन से तहत आते हैं। तो हार्मोनल में भी, डिपो फॉर्मुलेशन में भी, इंजेक्टेबल के अंदर, प्रोजेस्टेरोन ओनली के अंदर, कंबाइंड के अंदर आते हैं। तो ये चीज़ थी आपकी वाइवा के लिए। अगर मैं बात करूँ प्री पीजी के लिए, तो प्री पीजी में आप देख सकते हैं कि जितना भी अंडरलाइन पार्ट हैं वो सारे प्री पीजी में पूछे गए सवाल हैं आपसे। तो आपसे डेपो फॉर्मुलेशन पे प्री पीजी में सवाल पूछा गया है, आपसे नेटन में भी प्री पीजी पे सवाल पूछा गया है कि ये किसके अंदर आती है। डेपो फॉर्मुलेशन के अंदर नेटन आती है। उसके अलावा सबडर्मल इम्प्लांट में भी आपको प्री पीजी में सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी है। तो नॉरप्लांट आती है सबडर्मल इम्प्लांट में, ये भी आपको प्री पीजी में सवाल पूछा गया है। तो हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के क्लासिफिकेशन में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, पूरा ब्रॉड वे में पता होना चाहिए। ओरल, डेपो, ओरल के 5, डेपो के 3, फिर इंजेक्टेबल के 2, और उसके अंदर भी प्रोजेस्टेरोन ओनली के 2। ऐसे आपको पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए थ्योरी, वाइवा और क्रीपीजी के हिसाब से। फिर आता है आपका पोस्ट कंसेप्शनल मेथड, यानी कि कंसेप्शन हो गया, अब क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या फर्टिलाइजेशन को। तो आप सबसे पहली चीज़ तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन कर सकते हो, या मेंस्ट्रुअल इंडक्शन कर सकते हो, या ओरल अबॉर्टिफिकेंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वो मेफिप्रिस्टोन, मिसोप्रिस्टोल वगैरह, ये सारी चीज़ एज एन अबॉर्शन में आप यूज़ कर सकते हो। तो पोस्ट कंसेप्शनल के अंदर ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं है, मेंस्ट्रुअल या तो मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन मेथड यूज़ करोगे, या तो मेंस्ट्रुअल इंडक्शन मेथड यूज़ करोगे, या फिर ओरल अबॉर्टिफिकेंस दे दोगे जिससे बच्चा गिर जाए। तो पोस्ट कंसेप्शनल मेथड में इतनी चीज़ें। अगर मैं थ्योरी पे पूछूं तो थ्योरी में मुझे अलग से तो इस पे सवाल नहीं मिला। अगर मैं वाइवा में पूछूं तो वाइवा में भी मेरे को अलग से तो नहीं मिला कभी कि वो आपसे पूछे पोस्ट कंसेप्शनल मेथड के बारे में बताओ। लेकिन हाँ, आपको वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट कंसेप्शनल मेथड के ये 3 नाम याद होने चाहिए। प्रीपीजी में भी अलग से मेरे को इनके क्लासिफिकेशन पे सवाल नहीं मिले। तो पोस्ट कंसेप्शनल मेथड में आपको ये 3 नाम ज़रूर याद होने चाहिए। उसके बाद आता है मिसलेनियस। ये बहुत ही मिसलेनियस है, क्यों? क्योंकि इसके नाम ना बहुत ही जनरल है, मतलब जो नाम है वही इसका मतलब है, तो बहुत इजी भी है ये। तो मिसलेनियस में सबसे पहली चीज़ हमको याद होनी चाहिए कि कितने हैं, तो 5 हैं,
एब्सटेंस, कोइटस इंटरप्टस, सेफ पीरियड, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, ब्रेस्ट फीडिंग और बर्थ कंट्रोल। एब्सटेंस का मतलब होता है कि भाई सेक्शुअल इंटरकोर्स करोगे ही नहीं तो बच्चा नहीं होगा। कोइटस इंटरप्टस का मतलब होता है एजाकुलेशन के पहले पेनिस को बाहर निकाल लेना। सेफ पीरियड, लड़कियों को पता होता है कि कब उनका ओव्यूलेशन हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तब करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसको कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड भी कहते हैं। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स भी होती हैं, उसके अंदर तीन नाम आते हैं। इसमें क्या होता है कि लड़कियों को पता रहता है कि कब उनके अंदर ओव्यूलेशन हो रहा है, जैसे बेसल बॉडी टेम्परेचर, इसमें उनका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उनको पता रहता है ओव्यूलेशन हो रहा है। सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस होने लगते हैं सर्वाइकल म्यूकस मेथड के तहत, तो उनको पता रहता है कि जब चेंजेस हो रहे हैं तब ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा सिम्प्टोथर्मिक, इन तीनों को मिला लो आप, बेसल बॉडी और सर्वाइकल म्यूकस, तो दैट इज सिम्प्टोथर्मिक मेथड। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग में लैक्टेशन अमिनोरिया नाम की चीज़ होती है। जब आप पूरी तरह से रिलाई तो नहीं कर सकते इन पे, लेकिन फिर भी एक तरह का कंसेप्शनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये होती है। बर्थ कंट्रोल वैक्सीन में BCG वगैरह को हम यूज़ करते हैं बर्थ कंट्रोल वैक्सीन के तौर पे, उस पर काम चल रहा है। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस आगे की क्लास में, आगे के वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में, तो क्लासिफिकेशन पे आपको इसमें वेरी शॉर्ट नोट पे आ सकता है सवाल कि क्लासिफाई करो मिसलेनियस मेथड को। अभी तक मुझे मिला तो नहीं, लेकिन आ सकता है। वाइवा के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मिसलेन, क्योंकि उनको पता है एग्जामिनर को कि यार ये ना IUCD पढ़ के आया होगा, ये कॉन्डम पढ़ के आया होगा, ये मिसलेनियस नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिसलेनियस दिखती नहीं है आपको। आपके म्यूजियम में जाओगे, आपको कॉपर टी रखी होगी, OCP रखी होगी, कॉन्डम्स रखे होंगे, मिसलेनियस थोड़ी रखी होगी। तो एग्जामिनर को पता है वाइवा में इससे ये चीज़ पूछो, क्योंकि इसे पता नहीं होगा, क्योंकि उसने देखा नहीं होगा। मगर अगर आपने समझा है तो आपसे बन जाएगा। मिसलेनियस जो अलग ही चलते हैं कि एब्सटेंस करो ही नहीं कुछ, कोइटस इंटरप्टस निकाल लो, सेफ पीरियड, आपको कैलेंडर मेथड, उसके अलावा नेचुरल फैमिली प्लानिंग, ब्रेस्ट फीडिंग और बर्थ कंट्रोल। वाइवा में आपसे अलग से पूछा जाता है कैलेंडर मेथड क्या होती है या रिदम मेथड किसके तहत आती है, तो आपको पता होना चाहिए कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड सेफ पीरियड का ही नाम है और ये मिसलिनियस के अंदर आती है। ये वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा बेसल बॉडी टेम्परेचर और सर्वाइकल म्यूकस मेथड भी आपसे पूछ ली जाती है, कौन सी मेथड के तहत आती है, तो ये नेचुरल प्लानिंग, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड जो कि मिसलिनियस के अंदर आती है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रीजी में एज सच मुझे इसके क्लासिफिकेशन पे अलग से सवाल नहीं मिला, तो आपको मिसलिनियस के तहत इसके क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। उसके अलावा आपको वाइवा के तहत इसमें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, और PPG के हिसाब से आपको थोड़ा सा देख लेना है कि क्लासिफिकेशन पे आ सकता है फ्यूचर में। मिसलेनियस में इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे आखिरी में जो हमने पहले भी देखा था टर्मिनल मेथड, दैट इज़ आपका मेल स्टेरलाइजेशन वैसेक्टोमी या फीमेल स्टेरलाइजेशन ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी दो मेथड आपके पास और हैं, दैट इज़ लेप्रोस्कोपी और मिनी लैप। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उसमें हमने सबसे पहले देखा था कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कैफेटेरिया चॉइस क्या होता है, कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है। उसके बाद हमने सबका क्लासिफिकेशन देखा। अगर मैं बात करूँ थ्योरी का, तो थ्योरी में इसमें इन्यूमरेट पे सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे भी क्वेश्चन आता है और सिर्फ अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के क्लासिफिकेशन पे भी आता है। वाइवा की बात करें तो वाइवा में अलग अलग स्लाइड्स में हमने देखा किन किन चीज़ों पे, और वाइवा में बहुत पूछा जाता है क्लासिफिकेशन पे सवाल, क्योंकि आपका जो टेबल वाइवा होता है या जो आपका स्पॉट्स रखे रहते हैं प्रैक्टिकल वाइवा, उसमें आपको किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को उठा के सवाल पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन तो इसलिए याद होना चाहिए, और PPG में भी क्लासिफिकेशन पे बहुत सारे सवाल आए हैं। तो इतनी चीज़ें आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में याद होनी ही चाहिए। Thank you.